दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किट कैट फ्यूज़ को रीवायर कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किट कैट फ्यूज़ है और इसको आपको शायद दिख रहा होगा तो 415 वोल्ट और 16 एम्पियर की क्षमता का है ये, ठीक है ना। इसको रीवायर करने के लिए सबसे आसान और कहीं भी जब घर में न्यूटन और फेस एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो ये फ्यूज़ का काम होता है कि वो इस झटके को रोक के फ्यूज़ हो जाता है। जो अंदर वो वायरिंग करते हैं ना, वो वायरिंग फ्यूज़ होती है यानी कि काम करना बंद कर देती है यानी कि जल जाती है। तो मैं आपको फ्यूज़ को बांधना बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक ऐसा वायर लेना होगा, एक जैसे कि बिजली का सबसे अच्छा सुचालक होता है कॉपर, है ना। तो आपको कॉपर का एक वायर लेना है। इस वायर को अपने इसके हिसाब से इसको बांध सके इतना इतने सा काट लेना है। ये लगभग होगा 4 या 4 इंच का होगा, आप 4.5 इंच तक ले ले सकते हैं। इस वायर को काट के ये सब जो वायर है ना, इसको ऊपर वाले को इंसुलेशन कहते हैं। इंसुलेशन ये इसका ऊपर वाला होता है, इसको इंसुलेशन कहते हैं। इंसुलेशन को हटा देना है, फिर अंदर से ये वायर जो है ना, शायद दिख रहे कि नहीं दिख रहे, जो ये वायर होते हैं, ये वायर होते हैं अंदर से, बहुत सारे वायर हैं। इन वायरों को दो या तीन, लास्ट लास्ट आप चार चार वायर निकाल लें और निकालने के बाद आप इस फ्यूज़ को बांध सकते हैं। मैंने पहले से ये चार वायर अंदर से निकाल रखे हैं, कोई नहीं, ज़्यादा ही पतला, बिल्कुल पतला सा वायर है कॉपर का, ठीक है ना दोस्तों। किट कैट फ्यूज़ को लेंगे और यहाँ से बांधेंगे अपन, यहाँ से बांध देंगे इसको। ये जो पत्ती है वो बार बार हिल के यहाँ से जा रही है, सेट बैठ नहीं रही है। फिर भी जो ये वाली पट्टी होती है ना, ये वाली पट्टी वो उसके बाद में यानी कि कसने से पहले होनी चाहिए। और इसको अपन नियॉन लैम्प टेस्टर से कस देंगे, ठीक है ना। फिर इसको यहाँ से इस तरह से ले जाते हुए, ज़्यादा वायर बच रहा हो तो आप इस तरह से इसको ले जाकर फिर यहाँ से यूँ राउंड घुमा दें। फिर इसके बाद ये यहाँ से कस लें, ठीक है ना दोस्तों। ये अपना किटकैट फ्यूज़ जो अपन ने अभी बांधा है वो एकदम से कंप्लीट है। यहाँ से एक वायर निकाल के अपन ने यहाँ पे टच कर लिया है दोस्तों। अगर ज़रूरी नहीं है कि बोल्ट कभी उचके या नहीं उचके, जलने के कारण है ना ये बोल्ट चिपक जाते हैं, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अपन एक वायर की गांठ लगा के, यहाँ से भी एक वायर की गांठ लगा से इसको अपन चालू कर सकते हैं। और ये किटकैट फ्यूज़ होता है वो पोर्सलिन बेस का बना होता है, जिससे अपन को कभी करंट नहीं लगता है, ठीक है ना दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था, शायद आपको समझ में आ गया हो। तो बहुत बहुत थैंक यू, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।